नमस्कार दोस्तों, सरब केसरी लाइव देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं हरजीव दावड़ा। अज फाजिलका शहर के जड़ा बहुत ही जबरदस्त जी बारिश शुरू हो गई है। तुम देख रहे हो बदल भी जड़ा बहुत तेज़ आवाज़ के नाल जड़ा गड़क रहा है, नाल जड़ी है बिजली भी काफ़ी चमक रही है। तो दस दिए अप्रैल का महीना जो कि किसानों लई जड़ा एक फसलों वढ़न का जड़ा समा हुंदा, पूरियां जड़ियां इस टाइम जड़ियां फसलां हुंदियां ने, मैं गल कर रहा कणक दी जड़ी है खेती जड़ी हुंदी है वो अप्रैल महीने दे विच जड़ी है उनकी कटाई हुंदी है। बारिश का जड़ा माहौल तुसी देख रहे हो फाजिलका दे विच, पहले भी फाजिलका दे नाल लगवें कई पिंडां दे विच बहुत ज़्यादा बारिश आई सी, जिस दे नाल काफ़ी फसलों का नुकसान होया। हनेर भी जड़ा बहुत ज़्यादा आया जिंदे नाल जड़ियां फसलां काफ़ी जड़ियां थल्ले डिग पईआं सी, जिन्हों किसानां दे वलों जड़ा कटना बहुत ही मुश्किल सी। अज जड़ा बहुत ज़्यादा फाजिलका शहर दे विच पै रही है जिस दे नाल फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। परमात्मा दे अगे किसी भी तरह का कोई जोर नहीं है, पर आपा जरूर एक अरदास कर सकते हैं सारे शहर निवासियों के लिए, आस पास के जोड़े पिंड ने पिंडा दे जो जिमीदार ने उन्होंने आप अरदास कर सकते हैं कि जो है बारिश आ रही है परमात्मा की देन है, उसनु आप एक अरदास करके सारिया की अरदास दे बहुत ताकत होंगी है। आप जरूर अरदास करिए, परमात्मा नूं याद करिए, ते जो ये बारिश सारे लिए नुकसान का कारण एक बन सकती है उस ते आपां ठल पवा सकते हैं। जरूर आपां अरदास करिए परमात्मा दे अगे कि जिहड़ी है बारिश ये इस मौसम दे विच इस महीने दे विच ना आवे, तां कि जिहड़ी है फसलां जिहड़ियां जिमीदारां दियां आपां भी जिहड़ा उस फसलां ते ही निर्भर हाँ, आपां खाना खाना है, ते जो नुकसान हो रहा है वो अपने सारयां दा ही है। साढ़े नाल कुछ लोग इस मार्केट दे पुल दे थल्ले नाल जुड़े ने, उन्हां नाल आपां करदे हां गल्लबात। हाँ जी सर, की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम कुलदीप कुमार। किस तरह देख रहे हो जिहड़ी है बारिश जिहड़ी इस मौसम दे विच इस महीने दे विच पै रही है? बहुत ज़्यादा बारिश है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, फसलों का नुकसान पूरा हो चुका है। कोई ये नहीं भी बचणगीआं, पानी बहुत खड़ा है फसलों के विच, गड़े भी नाल आए ने, हवा बहुत ज़्यादा चलती भी है, तो इस करके कि परमात्मा अगर अरदास ही करिए भी सुख शांति नाल सारा काम सही हो जाए। किस तरह देखते हो जिमीदार अगे भी जड़ा तुसी देखा होना है काफ़ी धरना प्रदर्शन मुआवजे नू लैके करती है, इस बार फिर जड़ा उन्हां दी फसल जड़ी है कितने ना कितने जड़ा पानी दे विच डुब रही है? पानी तीन तीन चार चार फुट खड़ा है फसलों के, उनकी कटाई हाली होने नहीं शुरू हो सकती जी, इस महीने कनक शुरू हो जाए आनियाँ, ता करके बहुत ज़्यादा नुकसान है कनक का, तो बारिश जड़े पै रहे ने, हनेरी चल रही है ना। धन्यवाद जी। तो इस एक दुकानदार जिन्होंने आपां नूं यह भी दस्या किस तरह जड़ा मौसम खराब हो रहा है तो बारिश जड़ी है आ रही है, तो किन्ना नुकसान जड़ा इस टाइम जिमीदारां दा है। साढ़े नाल कुछ जिमीदार भी इस पुल के थले जो मार्केट बनी हुई है साढ़े नाल जुड़ चुके ने, उन्हां तों आपां लैने आ जानकारी। हाँ जी सर, की नाम तुहाडा जी? सुखजिंदर सिंह जी। किहड़े पिंड दे निवासी हो जी? जैवलाले दे। किस तरह देखते हो जिहड़ा भारी जिहड़ी है मात्रा दे विच जिहड़ी बारिश फाजिलका दे नेड़ले पिंडां विच जां फाजिलका शहर दे विच हो रही है? नुकसान तो दिखी जांदा जी सामने तुहाडे, बारिश इस टाइम अगे तक दे आई नहीं सी, इन्नी बारिश नहीं ऐतकी आई है जी। तो किस तरह देखते हो तुम जिमें मान लो फसलों का जोड़ा कणक का अपना वढ़न का टाइम नेड़े आ गया, किहड़ी तरीक तो जी है अपने नेड़ले पिंडा दे विच जी है वाढ़ी शुरू होंगी है? विसाखी वेले शुरू कर ही लें, विसाखी तो पहला भी अगे हो जाती थी जो मौसम थोड़ा गर्म हों, पर गल है जी भी हूँ एक तो पहला डिग पी जी हनेरी नाल फसल, उस तो उत्ते मीह पी जाता, वो दाने दोबारा उगने चालू हो गए जी, नुकसान तो सारी है जी। कितना कितने जड़ा फसल के उपर इंदा तुहाडे कहण दा मतलब है नुकसान है? नुकसान पूरा जी पूरा, रब नूं मेहरबानी करनी चाहिए है किसानों पर, बड़ा औखा हो के किसान पालदा फसल
ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਗ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਾਗ ਪਾਲਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਰਦ ਕੇਸਰੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।